जी कल हम जो सवाल कर रहे थे क्लासमेंट में वो निकालें। ठीक क्वेश्चन नंबर 5 का बी। वन ऑफ योर क्लाइंट विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी। अब खामोश हो जाए मैं शुरू कर दूं ताकि विच इज सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी वॉन्ट्स टू चेंज इट्स अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम जून 30 टू 31 दिसंबर एज द इनकम ईयर ऑफ इट्स पेरेंट कंपनी एंड्स ऑन 31 दिसंबर। एडवाइज द क्लाइंट अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 रिगार्डिंग चेंज इन टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल। अच्छा ये कुछ हजरात फिजिकल क्लासेस में किसी वजह से छुट्टी करते हैं, फिर ये रिक्वेस्ट करते हैं कि लेक्चर जो है यूट्यूब पे अपलोड करा दिया जाए। वही पूरे कॉलेज के अंदर या हर क्लास में कोई ना कोई एक छुट्टी करता है, इस तरह तो सारे लेक्चर ही यूट्यूब पे अपलोड होंगे। तो इसलिए ये कोई ऐसी रिक्वेस्ट नहीं है जो आइंदा कभी इंटरटेन की जाएगी। आप लोगों ने खुद ही सोच समझ के डिसीजन लिया कि हमने फिजिकल क्लासेज में एडमिशन लेना है, और मुझे भी याद पड़ता है पूरे कैफ में शायद एक दिन भी, हाँ एक दिन भी छुट्टी नहीं की थी मैंने, पूरे 2 साल की बात कर रहा हूँ। तो कोई रीज़न मुझे लगती नहीं छुट्टी की, आप लोग बस आना है तो आना है और क्या करना है फिर। तो इसलिए सोच समझ के डिसीजन लिया आपने फिजिकल में आने का, तो अब लिए तो लेक्चर मिस होगा तो आपका अपना नुकसान है। मैनेजमेंट के अतबार से सोचें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हर स्टूडेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर यूट्यूब पर लेक्चर अपलोड करते रहें। तो रोज़ाना कोई ना कोई जेन्युइन रीज़न ही लेके आ रहा होगा, लेकिन अब क्या हो सकता है। टाइम पे आया करें क्लास में। वन ऑफ योर क्लाइंट विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी वॉन्ट्स टू चेंज इट्स अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम 30 जून को। एंड से बैठना शुरू कर दिया करें, कुछ भी नहीं हो जाता, उसी तरह समझ आएगा। एंड और एंड पे हो जाए और आगे और आगे और आगे और आगे फ्रॉम 30 जून टू 31 दिसंबर, क्योंकि पेरेंट कंपनी का भी ईयर एंड 31 दिसंबर है। अब आपने एडवाइस करना है क्लाइंट अबाउट द रिक्वायरमेंट्स, आपने रिक्वायरमेंट्स के बारे में गाइड करना है रिगार्डिंग द चेंज इन टैक्स ईयर, यानी साल बदलने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी करें। यानी अगर आप अपना ईयर नॉर्मल से स्पेशल पे लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी करें। तो मोहतरम उसके लिए जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, आपने एप्लीकेशन देनी है कमिश्नर को राइटिंग में। यह आपकी सबसे बड़ी जो है वो रिक्वायरमेंट है। पॉइंट नंबर 5, 3 और 5। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आपने कमिश्नर को राइटिंग में एप्लीकेशन देनी है कि मैं साल बदलना चाहता हूं, ये पॉइंट 3 में लिखा हुआ है। इसी तरह पूरा पॉइंट 3 आप पूरा लिख के आएंगे। और पॉइंट 5 में एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, यू हैव टू शो हिम अ कंपेलिंग नीड। आपने उसको कंपेलिंग नीड शो करनी है। तो मैंने कहा था जवाब में आप सेक्शन 73 का 3 और 5 लिख के आएंगे, सेक्शन 74 का 3 और 5, बस इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं 3 नंबर के लिए। और दूसरी बात यह कि ये जो सेक्शन का नंबर होता है ये इसलिए नहीं लिखा जाता कि आपने याद करना है, ये इसलिए कि आप सॉल्यूशन जब देखें तो इसके रेफरेंस के तौर पे आप यूज़ कर लें, बस इसलिए लिखा जाता है। ये नहीं कि सेक्शन का नंबर याद करेंगे, सेक्शन 74 था टैक्स ईयर। ओके आगे चलें जी। वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड में थे हम। पेज 8, 9 वाली 9 एग्जांपल्स कर ली हैं, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4। और जहां सैलरी नहीं थी वहां सैलरी को 0 लिया है, और 0 लिया का मतलब है सैलरी कम तो टेबल 1, जब सैलरी नहीं होगी तो हमेशा ही टेबल 1 लगेगा। अच्छा जी, वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर वेलफेयर फंड की मैंने आपको बताया था जो अंग्रेजी है दैट इज सेम लाइक द अंग्रेजी ऑफ ज़कात। अ पर्सन शेल बी एंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस। एक बंदे को ज़कात माइनस करने की इजाज़त है जो उसने ज़कात पे की अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। इसी तरह 60A में लिखा हुआ है, अ पर्सन शेल बी एंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस फॉर द अमाउंट ऑफ WWF पेड बाय द पर्सन अंडर फलाना कानून। अच्छा
अब इसके अंदर हमने जो एक लाइन छोड़ी थी कल दोनों में, इसको जरा देख लेते हैं ये क्या थी। ये लाइन मोहतरम कुछ ऐसे है कि एक लफ्ज है ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट, ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट, कंपनी हैविंग ऑपरेशंस, जिसका कारोबार है, कंपनी हैविंग ऑपरेशंस इन मोर देन वन प्रोविंस, एक से ज्यादा सूबे में जिसका कारोबार फैला हुआ है, जैसे नेस्ले। तो मोर देन वन प्रोविंस, ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट जो WWF के पैसे हैं वो देती है सूबे को, प्रोविंस को, प्रोविंस फिर नेस्ले के एम्प्लॉयज को ये पैसे देते हैं। यानी ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट डायरेक्ट एम्प्लॉयज को पैसे नहीं देती, बल्कि पैसे देती है बजरिया सूबा, WWF के पैसे। अब ये जो सेक्शन है इसमें ये लिखा हुआ है कि ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट यानी नेस्ले कंपनी जब प्रोविंस को पैसे देगी तो डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने की इजाजत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई, ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट ने तो ज्यादा अच्छा स्टेप लिया है कि इसने प्रोविंस को बीच में गवाह बनाया है और पहले प्रोविंस को पैसे दिए हैं, फिर सूबे की गवर्नमेंट ने अपनी मौजूदगी में एम्प्लॉयज को बुला के पैसे दिए हैं, इसने जो ज्यादा अच्छा काम किया है, तो ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट को भी डिडक्टेबल अलाउंस WWF माइनस करने की इजाजत होनी चाहिए। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन असल में बात यह है कि इनको कुछ और बेनिफिट्स अवेलेबल हैं जो आपके सिलेबस में यहाँ पे नहीं मेंशन। तो ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट्स को बहुत से बेनिफिट्स अवेलेबल हैं जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, इस वजह से उसने फिलहाल सिर्फ अधूरी बात कर दी कि ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट क्या करे। ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट अगर प्रोविंस को पैसे दे तो डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने की इजाजत, बल्कि शायद ये बिजनेस के चैप्टर में पूरा खर्चे के तौर पर आपको माइनस करने दे, लेकिन ये चीज हमारे स्कोप में नहीं है क्योंकि कंपनीज की टैक्सेशन मैंने आपको बताया हमारे स्कोप में नहीं है। तो दिखने में ये एक बड़ी बुरी सी बात लग रही है, लेकिन इसके अगेंस्ट एक बेनिफिट अवेलेबल है जो जहां लिखा नहीं हुआ, जिस वजह से थोड़ी अजीब सी आपको पढ़ने में घर में लगेगी। बहरहाल जो बात थी मैंने कम्युनिकेट कर दी। अब ये लाइन लिखी हुई है, पहले मैं लाइन को पढ़ता हूँ फिर आप नोट कीजिएगा। नो डिडक्टेबल अलाउंस विल बी अलाउड, बड़ी बुरी सी बात है, यानी रिलैक्सेशन थी लेकिन खत्म हो रही है। No deductible allowance will be allowed for amount of WWF paid to Suba by trans provincial establishment. तो क्या कह रहा है? No deductible allowance will be allowed for WWF paid by trans provincial establishment to Suba. सूबे को जो आप पेमेंट करेंगे वो माइनस करने की इजाजत नहीं है। नोट कर लो।
ओके, अब याद कर लें। नो डिडक्टेबल अलाउंस विल बी अलाउड फॉर द WWF पेड बाय ट्रांस प्रोविजन एस्टेब्लिशमेंट टू प्रोविंस। और जो बात WWF के बारे में लिखी है वही बात WPPF के बारे में लिखी है, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड के बारे में। नो डिडक्टेबल अलाउंस विल बी अलाउड फॉर WPPF पेड टू प्रोविंसेस बाय ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट। बाय और टू जरा ना, बस आपको पेपर में गलत नहीं लिखना है, टू प्रोविंस बाय ट्रांस प्रोविंस। तो लिख लें, सम अदर बेनिफिट इज अवेलेबल विच इज नॉट मेंशनड हेयर। कोई और बेनिफिट मिल जाएगा जो यहां मेंशन नहीं है, कम से कम हमारे स्कोप में नहीं है। सम अदर बेनिफिट इज अवेलेबल विच इज नॉट मेंशनड हेयर। उसके लिए तो कोई मसला ही नहीं, उसने प्रोविंस को नहीं देना, उसने जिसका एक प्रोविंस में उसने तो डायरेक्ट एम्प्लॉयज को देना है, तो इसलिए उसको तो अलाउड है, उसको तो मसला नहीं है। अच्छा जी, लेट्स मूव नेक्स्ट। पेज नंबर 10, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स के टैक्स लगाने के रूल। द टैक्सेबल इनकम ऑफ ईच इंडिविजुअल शैल बी डिटरमाइंड सेपरेटली। हर इंडिविजुअल की टैक्सेबल इनकम अलग अलग मालूम की जाएगी। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे बीवी कहती है मैं 10 लाख कमा रही हूं नौकरी करके, और सरताज कहता है कि मैं जो है वो 20 लाख कमा रहा हूं कारोबार करके। तो अब ऐसी सूरत के अंदर 10 लाख जमा 20 लाख 3 मिलियन हो गया। इस 3 मिलियन को अगर आप जाके देखें टेबल में, तो ये 3 मिलियन जो है वो 22.5% पे गिरता है। तो अगर आप मियाँ और बीवी इकट्ठे मिल के टैक्स देंगे, यानी शोहर और बीवी की इनकम को जमा किया जाए, तो फिर 3 मिलियन एक बहुत बड़ी इनकम है जिस पे रेट भी 22.5% लगेगा। तो ऐसा नहीं होगा, बीवी अलग मशरिक की तरफ मुंह करके इस टेबल को लगाएगी और शोहर अलग मगरिब की तरफ मुंह करके इस टेबल को लगाएगा, यानी दोनों अलग अलग ऑपोजिट साइड पे मुंह करके जो है वो इस टेबल को लगाएंगे। दोनों ने इकट्ठे टैक्स जमा नहीं कराना अपनी इनकम्स को जमा करके। घर में हर बंदे ने अपनी इनकम पर टैक्स अलग अलग जमा कराना है। टैक्सेबल इनकम ऑफ ईच इंडिविजुअल इन हाउस, हाउस लिखेंगे होम लिखेंगे, द टैक्सेबल इनकम ऑफ ईच इंडिविजुअल इन घर शैल बी डिटरमाइंड सेपरेटली। घर में हर इंडिविजुअल की इनकम सेपरेटली टैक्सेबल है। बाप ने टैक्स जमा ना कराया, बाप को FBR वाले ले जाएंगे। बेटे ने टैक्स ना जमा कराया, बेटे को FBR वाले ले जाएंगे। शहबाज शरीफ ने टैक्स ना जमा कराया, शहबाज शरीफ को लेके जाएंगे। हमजा ने टैक्स ना जमा कराया, हमजा को लेके जाएंगे। जरदारी ने टैक्स जमा कराया तो बिलावल को नहीं लेके जाएंगे, बिलावल ने टैक्स जमा कराया तो जरदारी को नहीं लेके जाएंगे, एंड सो ऑन। देर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। नहीं, साथ वाले की मिसाल नहीं देनी। ओके, डिसीज्ड इंडिविजुअल, छप्पन साल की उम्र में कासिम साहब इस जहाने फानी से कूच कर गए।
और जाते हुए बीवी बच्चे छोड़ के गए। तो ये वरसा हैं जो बंदा मरा है उसके। द बचे वे ऑफ अ मरावा शेल बी लायबल। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिसीज्ड इंडिविजुअल शेल बी लायबल। तो मरे हुए बंदे के जो वरसा हैं वो लायबल होंगे। किसके लिए लायबल होंगे? उसको दफन करने के लिए नहीं, उसकी टैक्स वालों को टेंशन नहीं है, टैक्स वालों को किसी और चीज की टेंशन है। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अ मरा हुआ बंदा शेल बी लायबल। वरसा लायबल होंगे। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अ डिसीज इंडिविजुअल शेल बी लायबल फॉर एनी टैक्स, कोई भी टैक्स जो इंडिविजुअल ने देना था अगर वो ना मरता। लेकिन अब मर गया तो अब वो तो नहीं दे सकता, अब तो उसके वरसा ही देंगे। तो अगर वो जिंदा रहता तो फिर उसी ने टैक्स देना था ना, तो अब वो तो जिंदा नहीं रहा। ये लाइन समझ आ गई ना, इफ ही हैड नॉट डाइड, अगर वो ना मरता तो टैक्स उसी ने देना था ना। लेकिन अब तो वो मर गया तो अब कौन टैक्स देगा? वो उठ के टैक्स देने आ गया तो आप भाग जाएंगे, तो फिर अब कौन टैक्स देगा उसकी जगह? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड इंडिविजुअल शेल बी लायबल फॉर द टैक्स जो इंडिविजुअल देता, जिसके लिए इंडिविजुअल वुड हैव बिकम लायबल, जिसके लिए वो लायबल था, अगर वो ना मरता तो वही देता ना, लेकिन अब तो मर गया ना, तो अब कौन देगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव देंगे। तो मरने वाला 2009 में मरा, तो 2009 का टैक्स, 2008 का टैक्स, 2007 का टैक्स अगर मरने वाले ने नहीं जमा करवाया हुआ तो वो कौन देगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। कई दफा ऐसा भी हो जाता है कि मरने के बाद कोई डिस्प्यूट शुरू हो जाए और उसकी जायदाद तकसीम ना हो, तो जब तक उसकी जायदाद तकसीम नहीं होगी तो उसकी जायदाद से कोई ना कोई इनकम तो आ रही होगी ना। मिसाल के तौर पर अगर उसके कोई बाग हैं तो आम तो उसी तरह जो है वो फल फूल रहे होंगे ना। अगर उसके जो है वो कोई घर है वहां से किराए तो वैसे ही आ रहे होंगे ना। अगर उसकी कोई दुकान है तो वहां पे वर्कर्स उसी तरह दिन रात काम कर रहे होंगे। अगर कोई फैक्ट्री है वो उसी तरह चल रही होंगी। तो अगर मरने वाले की जायदाद तकसीम ना हो तो जब तक मरने वाले की जायदाद इनकम कमाती रहेगी तो उस इनकम पे टैक्स देना भी किसकी जिम्मेदारी है? मरे हुए की या बचे हुए की? अगर मरने वाले की जायदाद कोई इनकम कमाए तो उस इनकम पर टैक्स देना किसकी जिम्मेदारी है? तो मरने वाले की जायदाद जो इनकम कमाएगी उस इनकम पे टैक्स देना भी किसकी जिम्मेदारी है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो पॉइंट ए और बी में शायद ये फर्क है कि ए में वो कह रहा है कि मरने से पहले जो उसने टैक्स जमा कराना था वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव जमा करवाएंगे, और पॉइंट बी में शायद ये कह रहा है कि जो मरने के बाद उसकी जायदाद से अगर कोई इनकम आ रही है तो उस पर भी टैक्स किसने जमा करवाना है? उसके वरसा नहीं जमा करवाने। एनी टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम ऑफ, मरने वाले की जायदाद के ऊपर जो टैक्स जमा करवाना जिम्मेदारी है वो भी किसकी जिम्मेदारी है? जी वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जिम्मेदारी है। अच्छा जी, उमर को अपॉइंट किया गया है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज अब्बू। उमर के अब्बू इस दुनिया से चले गए हैं जो कि 2 महीने पहले इस जहाने फानी से कूच कर गए हैं। अब्बू जाते हुए 20 लाख रुपया छोड़ के गए हैं घर में, या समझ लें 20 लाख की जायदाद और चीजें वगैरह छोड़ के गए हैं, प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं, कैश छोड़ के गए हैं, और क्या कहते हैं घर छोड़ के गए हैं, गाड़ी छोड़ के गए हैं, 20 लाख की जायदाद छोड़ के गए हैं। ये कौन बोल रहे हैं? कमेंट साथ साथ चल रहे हैं, चुप करके फिर मैं बोलूंगा, फिर बोलना फिर हो जाएंगे। लेकिन कमिश्नर इनकम टैक्स के मुताबिक द टैक्स पेबल बाय हिम
कमिश्नर कहते हैं कि आपके अब्बू 20 लाख छोड़ के गए हैं लेकिन इनका टैक्स 30 लाख बनता था। अब ऑब्वियसली अगर चोर डाकू आपसे 10 हजार मांग रहे हैं और आपकी जेब में है ही 8 हजार, तो जाहिर बात है अब आप ये तो नहीं कहेंगे मेरी जान ले लो, आप कहेंगे 8 हजार ले लो बस मेरे से, अब और मैं क्या कर सकता हूँ। वो कहेंगे नहीं नहीं हमें तो चाहिए ही 10 हजार, हमने तो जाके पीसी में खाना खाना है। तो आप कहेंगे भाई जितने उतने ले लो, आप प्यारे चिकन में चले जाओ पर्ल कॉन्टिनेंटल के अलावा। हाउएवर एज पर द कमिश्नर इनकम टैक्स, लेकिन कमिश्नर इनकम टैक्स के मुताबिक टैक्स आपने जो पे करना है वो कितना पे करना है, 2 मिलियन कहां से हो गया, कमिश्नर कह रहे हैं 3 मिलियन। अब कमिश्नर मुंह खोल के कितने पैसे मांग रहे हैं, 3 मिलियन, और अब्बू की जायदाद सिर्फ कितनी है। अब सवाल यह है कि उमर के पर्सनल एसेट्स बेचे जा सकते हैं, तो जवाब है नो, उमर के पर्सनल एसेट्स नहीं बेचे जाएंगे। उमर कहेगा भाईजान आप मेरे घर तक नहीं आ सकते, सॉरी, तो मेरे अब्बू के मेरे पास पैसे जो है वो 20 लाख पड़े हैं, वही मैं आपको दे सकता हूँ, मैं अपनी जेब से आपको जो है पैसे नहीं दे सकता। तो हाउ मच अमाउंट मिस्टर उमर इज रिक्वायर्ड टू पे, उमर कितने पैसे देगा। द लायबिलिटी ऑफ उमर, उमर के कंधों पे जो बोझ है, शेल बी लिमिटेड या शेल क्रॉस द लिमिट्स, क्या कमिश्नर लिमिट्स क्रॉस करते हुए उमर तक पहुंच जाएगा। द लायबिलिटी ऑफ उमर शेल बी लिमिटेड, किस हद तक लिमिटेड होगी, टू द एक्सटेंट ऑफ मरे हुए की जायदाद। देयरफॉर उमर इज ओनली लायबल टू पे रुपीज 2 मिलियन, इसलिए उमर ने सिर्फ कितने पैसे जमा कराने हैं, सिर्फ 2 मिलियन। नॉन मादरी जुबान में जरा पढ़े इसको, द लायबिलिटी से मुराद है टैक्स लायबिलिटी, जो भी लायबिलिटी ऑफ अ लीगल लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लायबिलिटी शेल क्रॉस द लिमिट्स, नो 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 नो, शेल बी टू द एक्सटेंट ऑफ, जो मरे हुए की जायदाद है सिर्फ उस हद तक उमर लायबल है, उससे 1 रुपया ज्यादा ऊपर उमर नहीं देगा इसको। ये भी नहीं कहेगा कि 20 रुपए ले लो जाते हुए चाय पी लेना, तो 20 लाख रुपए के लिए उमर लायबल है, उमर इज नॉट लायबल फॉर 30 लाख रुपया। अच्छा जी 2A, अच्छा मरने वाला मरते हुए एक कौन बोल रहे, मरने वाला मरते हुए छोड़ के गया कितने मिलियन, 5 टू, आगे भी तो चलने 2 मिलियन भी रेडे रहने पूरे दिन। 2A पॉइंट अब मैं पढ़ाऊं, मरने वाला छोड़ के कितने गया, 5 मिलियन। अच्छा और मरने वाले के कंधों पे कुछ बोझ थे जिनको उतारते उतारते इस जहाने फानी से वो चला गया, एक इसने जमा कराना था टैक्स 4 मिलियन, 4 मिलियन इसने हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स जमा करवाना था, और इसने बैंक से लोन लिया हुआ था, बैंक से क्या लिया हुआ था, लोन लिया हुआ था, तो टोटल इसकी लायबिलिटी थी 6 मिलियन। तो मरने वाले ने टैक्स वालों को जमा कराना था 4 मिलियन और मरने वाले ने बैंक लोन जमा कराना था 2 मिलियन। अब सवाल यह है कि जैसे ही खाना खुलेगा तो सबसे पहले हक जो है वो किसका होगा, तो जैसे ही घर में खाना खाने बैठते हैं तो सबसे पहले अब्बू इफ्तिताह करते हैं, जो बोटी अब्बू पसंद कर लें वो डाल लेते हैं, बाकी बैलेंसिंग हमारे लिए होती है। तो सिमिलरली जो मरने वाले के एसेट्स हैं वो 5 मिलियन है, तो सबसे पहला हक होगा टैक्स अथॉरिटीज का, सबसे पहला हक होगा टैक्स अथॉरिटीज का, टैक्स अथॉरिटीज को सबसे पहले 4 मिलियन दे दिया जाएगा। अब 5 मिलियन पड़ा था मरने वाले के पास, 4 मिलियन FBR वाले लेके चले गए, पीछे बच गया 1 मिलियन। अब 1 मिलियन बैंक लोन दें जो मर्जी दें, हमारी बला से हमें उससे कोई कंसर्न नहीं। हमारे सिलेबस में तो बस इतना सा है कि टैक्स वालों को सबसे पहले फर्क करो पैसे देकर, ठीक है। तो जैसे ही बकरा जिबा करें पहली रान टैक्स वालों के घर भेजें। पढ़ें जी पॉइंट 2A, मिस्टर उमर इज अपॉइंटेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज मरावा अंकल, द वैल्यू ऑफ द एसेट्स लेफ्ट बाय हिज अंकल एट द टाइम ऑफ हिज मरना वाज 50 लाख, 50 लाख की जायदाद अंकल छोड़ के गए हैं जाते हुए। कमिश्नर इनकम टैक्स कहता है कि टैक्स पे करना है आपके अंकल ने 40 लाख का, और बैंक मैनेजर कहता है कि बैंक लोन वापस करना है 20 लाख का।
हाउ मिस्टर उमर शुड डिस्चार्ज दिस लाइबिलिटी, मिस्टर उमर कैसे इस लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करें? तो मोहतरम, फर्स्टली ही विल मेक द पेमेंट ऑफ रुपीज 4 मिलियन टू, और अगर सिर्फ होता ही 4 मिलियन तो भी सारा टैक्स पे कर दिया जाता, बैंक मैनेजर जो है वो बीन बजाता, उसको कुछ भी नहीं मिलना था। अब इसकी जरा अंग्रेजी को थोड़ा सा मैं बेहतर करने लगा हूं समझने के लिए। द टैक्स लाइबिलिटी, बी की जगह मैं जरा हैव लिख रहा हूं, समझने में आसान लगेगा, बी थोड़ा सा समझने में मुश्किल है लेकिन पेपर में आप बी ही लिखाइएगा बेशक। द टैक्स लाइबिलिटी शैल हैव द फर्स्ट हक ऑन मरे हुए की जायदाद। तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? टैक्स अथॉरिटीज को। जो टैक्स आपने जमा करवाना है वो पहला हक होगा मरे हुए की जायदाद पे। मरे हुए की जायदाद पे जो पहला राइट होगा वो टैक्स वालों का होगा। द टैक्स लाइबिलिटी शेल बी द फर्स्ट हक, शेल बी द फर्स्ट हक ऑन द मरे हुए की जायदाद। तो सबसे पहले टैक्स वालों का हक होगा, बाद में फिर बाकी लोगों को लिफ्ट कराई जाएगी। पॉइंट थ्री। अच्छा जी, मरने वाला जो है उसके खिलाफ कुछ कोर्ट केसेस होंगे, कुछ वो कोर्ट केसेस होंगे मरने वाले के खिलाफ जो उसके मरने से पहले उसके खिलाफ शुरू हो चुके होंगे, और कुछ वो कोर्ट केसेस होंगे जो उसके मरने के बाद उसके खिलाफ हो सकते होंगे, अगर वो ना मरता तो वो केसेस उसके खिलाफ चलते। अब ये दोनों केसेस किसके खिलाफ चलाए जाएंगे? वरसा के खिलाफ। कुछ केसेस होंगे टेकन जो मरने से पहले मरने वाले के खिलाफ शुरू हो चुके थे लेकिन उन केसेस की ताब ना लाके वो मर गया, और कुछ कोर्ट केसेस ऐसे होंगे जो उसके मरने के बाद उसके खिलाफ शुरू हो सकते हैं, विच कुड हैव बीन टेकन, जो उसके खिलाफ शुरू हो सकते हैं। यानी कुछ ऐसे केसेस होंगे जो मरने से पहले उसके खिलाफ पेंडिंग चल रहे होंगे, और कुछ ऐसे केसेस होंगे जो मरने के खिलाफ, मरने के बाद उसके खिलाफ अराइज हुए हैं। मिसाल के तौर पे मरने वाला, मरने से पहले पता चल चुका था कि इसकी एक गुजरात के अंदर दुकान है जिसपे इसने टैक्स नहीं जमा कराया, ये तो मरने से पहले इसके खिलाफ केस शुरू हो चुका था, लेकिन मरने के बाद पता चला कि बबलू की पत्तोगी के अंदर भी एक दुकान थी, अब ये केस भी उसके खिलाफ शुरू हो सकता है। किसके खिलाफ? लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ। पढ़े जी, एनी प्रोसीडिंग्स टेकन अगेंस्ट द मरावा, एनी प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग होता है कोर्ट केसेस, एनी कोर्ट केसेस टेकन अगेंस्ट द मरावा बिफोर इज मरना शेल बी अज्यूम्ड एज हैविंग बीन टेकन अगेंस्ट द बीवी, बच्चे, बेवा बच्चे बल्कि अब तो हो गया, तो शेल बी अज्यूम्ड एज हैविंग बीन टेकन अगेंस्ट द, ये अज्यूम किया जाएगा कि ये केसेस किसके खिलाफ चल रहे हैं। अब क्या इन केसेस को शुरू से स्टार्ट किया जाए? यानी कोर्ट केस होता है उसमें स्टेप वन होता है, स्टेप टू होता है, स्टेप थ्री होता है, स्टेप फोर होता है, तो शुरू से स्टार्ट किया जाए या जहां तक केस चल चुका था उससे आगे चलाया जाए? ऑब्वियस सी बात है, अगर वालदा जो है वो सब्जी काट रही थी, छील चुकी थी, काट रही थी और उसको बस हांडी में डालना रह गया था, तो अब अगर अम्मी को कहीं जाना पड़ गया तो आप लोग जो है वो कटी हुई सब्जी को काटना तो नहीं शुरू कर देंगे ना, आप बस जो स्टेप रह गया हांडी में डालने वाला आप सिर्फ वो करेंगे और खाने वाला और चट करने वाला काम करेंगे ना सिर्फ। तो द प्रोसीडिंग विल बी कंटिन्यूड अगेंस्ट द बचा हुआ, बचे हुए के खिलाफ प्रोसीडिंग चलाई जाएंगी फ्रॉम द स्टेज एट विच देवर एट द टाइम ऑफ डेथ, के टाइम तक जितना केस चल चुका था उससे आगे अब उनके खिलाफ केस चलाया जाएगा, कोई नए सिरे से काम करने की जरूरत नहीं है। जेल में डालना होता है पीनल एक्शन, ये शायद हमारे स्कोप में नहीं है। ओके, पॉइंट नंबर बी जी। हम्म,
क्या चीज? नहीं नहीं वो फिर वसीयत तो नहीं देखी जाएगी ना, पहले तो जो आपकी लाइबिलिटीज हैं वो डिस्चार्ज होगी, फिर बची कुछ जाएगी उधर। पॉइंट नंबर बी, एनी केसेस विच कुड हैव बीन टेकन, जो उसके खिलाफ शुरू हो सकते थे, अगेंस्ट द मरावा, मे बी टेकन अगेंस्ट द मजावा। अब चाहें तो आप किन के खिलाफ शुरू कर दें, लीगल रिप्रे, आपकी मर्जी है। अगर नहीं शुरू करें तो ना शुरू करें, कोई मसला नहीं, वो आपकी मर्जी है। एक बार कमिश्नर के पास टाइम नहीं होता, या कमिश्नर को लगता है इस बंदे से कितना टैक्स ले लेंगे, 10-15 हज़ार, उतना टाइम एफर्ट लग जाएगी, छोड़ो पर फारक करो इसको। मे बी अगर आपका दिल चाहे तो आप वो केसेस किसके खिलाफ चला दें। चलें जी शुरू से लेके एंड तक पढ़ लें जरा, डिसीज्ड इंडिविजुअल वाला सेक्शन। नहीं नहीं तकसीम होगी, जी एन क्वेश्चन, क्या सवाल है? नो डिडक्टेबल लॉन्स वाला, चले मैं समझा दूँ तो बस पे कुछ भी नहीं पे किया जाएगा। वो हमारी सरदर्दी नहीं ना, भाई कानों में बातें किया करो, विस्परिंग अगर कोई बात करनी हो तो। हाँ जी पूछें। इनकम उसकी कोई खेत है उससे आ रही है, कभी कच्चे में टैक्स लगता नहीं है। हाँ तो उस पे टैक्स है ही नहीं फिर, डिवाइड कराना। सर अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 मिलियन टैक्स और 2 मिलियन बैंकों को दिया लोन, अगर बैंक वाले पहले पैसा भी ले जाते। नहीं नहीं वो दे दिया जाएगा पहले उसको लीगली, को पता ही बात चलेगी लीगली, फिर उनसे उससे रिकवर करेंगे। तो वो इसमें वो हमारे टैक्स की उसमें नहीं है। अच्छा जी ये पॉइंट कुछ हजरात ने पूछा है दोबारा, इट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनीवेज आई विल रिपीट इट। ये कोई ऐसी कंपनी है जो 2 सूबों में ऑपरेट कर रही है, तो मैंने कहा था इसको कहेंगे ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट। तो ये वर्कर की वेलफेयर के पैसे पहले सूबे को देगी, फिर सूबे की गवर्नमेंट वजीर आला को समझ ले देगी, फिर सूबे की गवर्नमेंट बराह रास्त ये पैसे एम्प्लॉयज को देगी। अब यहाँ पे लॉ मेकर कहते हैं कि इस कंपनी को एक नुकसान होगा कि इसको ये पैसे डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे माइनस करने की इजाज़त नहीं है, बस इतना सा लिखा हुआ है। तो इसको ये पैसे डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे माइनस करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन इसको फिर क्या बेनिफिट अवेलेबल है, वो मैंने कहा था कि अधूरी बात इसने की है, पूरी बात हमारे सिलेबस में नहीं है।
इसलिए इसको कोई और बेनिफिट लॉ मेकर देगा, वो हमारे सिलेबस में यहाँ लिखा नहीं हुआ, वो जो भी बेनिफिट है हमारी बला से। तो हमने बस इतनी सी बात लिखनी है कि अगर ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट सूबे को कोई पैसे देगी तो डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने की इजाजत नहीं है। ओके, अच्छा जी, लेट्स रिपीट सेक्शन 87। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड इंडिविजुअल शैल बी लायबल, इसको कर दो 16 पे, इसको भी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड इंडिविजुअल शैल बी लायबल फॉर एनी टैक्स, किसी भी टैक्स के लिए जिसके लिए इंडिविजुअल लायबल होता अगर वो ना मरता, लेकिन अब तो वो मर गया तो फिर अब रिप्रेजेंटेटिव लायबल है। एंड एनी टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ डिसीज्ड स्टेट, और मरे हुए की जो जायदाद है उसके ऊपर भी टैक्स जमा करवाना किसकी जिम्मेदारी होगी, वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की। अच्छा, अगला सवाल ये है कि मरने वाले जब मरा तो उसकी जो जायदाद है तो उस हद तक ही जो वर्सा है लायबल होंगे, उससे ज्यादा वर्सा लायबल नहीं होंगे। अगली बात यह है कि अगर दो चार लोग पैसे मांगने आ जाए तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी। बोर्ड टू में तो ये लिखा हुआ था ना कि अगर मरने वाले की जायदाद कम है तो क्या करें, 2A में कुछ और लिखा हुआ है कि मरने वाले की जायदाद है अच्छी खासी है लेकिन मांगने वाले तीन चार लोग आ गए, तो अब 2A के अंदर क्या है, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी पहला हक किसको दिया जाएगा, पहला हक टैक्स अथॉरिटीज को दिया जाएगा। अच्छा, ये जो 3A, 3 का A और B है ना, इसको जरा आपको याद करने में घर में टाइम लगेगा, जैसे कल ट्रस्ट की डेफिनेशन याद करने में आपको घर में टाइम लगा थोड़ा सा, तो ये 3A और B जो है ना ये भी जरा समझ लें, इसको भी याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा। कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है, जो केसेस मरने वाले के खिलाफ मरने से पहले शुरू हो चुके थे वो जो है अब वर्सा के खिलाफ चलेंगे, और वो केसेस जो मरने वाले के खिलाफ मरने के बाद शुरू हो सकते हैं वो भी वर्सा के खिलाफ चलेंगे। तो फॉर द पर्पज ऑफ दिस कानून एनी केसेस टेकन अगेंस्ट द मरावा बिफोर इज मरना शेल बी एज्यूम्ड एज हैविंग बीन टेकन अगेंस्ट द बचावा, एज्यूम किया जाएगा कि वो वर्सा के खिलाफ चल रहे हैं, एंड द प्रोसीडिंग विल बी कंटिन्यूड अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द स्टेज एट विच दे वर एट द टाइम ऑफ डेथ, और वो केसेस जो उसके खिलाफ शुरू हो सकते थे अगेंस्ट द डिसीज, नाउ, नाउ का लफ्ज अगर डालने ज्यादा अच्छा, नाउ मे बी टेकन अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अब आप अगर उनको चाहें तो किसके खिलाफ चला लें, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ चला लें। अच्छा जी, अब अगला सवाल ये है कि नाउ व्हाट इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये जो हम काफी देर से लगे हुए हैं तो ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता कौन है, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में उसने लिखा है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द स्टेट, स्टेट होती है जायदाद ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, जो लॉ में डिसीज्ड पर्सन की स्टेट को रिप्रेजेंट करे, इन लॉ से मुराद है इन इस्लामिक लॉ, जो इस्लामिक लॉ के अंदर मरे हुए बंदे की जायदाद को रिप्रेजेंट करे वही यहां होगा। अब इस्लामिक लॉ में कौन कौन होते हैं वरसा, ये कम से कम हमारे सिलेबस की चीज नहीं है, बस हमने ये लफ्ज याद करना है, हु इन लॉ रिप्रेजेंट द जायदाद ऑफ डिसीज्ड पर्सन, लेकिन जब वो आपको किसी और लॉ में ले जाते हैं ना तो फिर हमारा जो स्कोप है वो इतनी इजाजत नहीं देता कि हम किसी और लॉ में जाएं। जैसे एक दफा उसने कहा था कि कंपनी से क्या मुराद है, कहते हैं कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज ऑर्डिनेंस कंपनीज एक्ट 2017, अब वो कंपनीज एक्ट 2017 जाके खोलें घर में और जाके कंपनी की वहां भी डेफिनेशन देखें और उसको भी याद करें, देयर इज नॉट अ गुड साइन ऑफ अ गुड बच्चा। तो जिस हद तक वो हमें चला रहे उसी हद तक हम चलेंगे। तो इस्लामिक लॉ के अंदर जो वर्सा है वही यहां भी क्या समझे जाएंगे, वर्सा समझे जाएंगे। सब पढ़ पुढ़ रहे हो आप लोग घर जाके, कोई आप जरा खड़े हो, हाँ कल किस टाइम पहुंचे घर, हॉस्टल तो जोहर से असर किधर है, लाइब्रेरी में पढ़े थे, फिर असर से मगरब, मगरब से शाम, और ईशा से ऑनवर्ड्स। भाई फरमा रहे हैं 2 बजे से लेके 4 बजे तक मैं पढ़ाऊं, फिर असर से लेके मगरब तक मैं खेलाऊं, फिर मगरब से ईशा तक मैं जिम गया हूँ, ईशा के बाद सो गया। दो घंटे पड़े यार, हद होगी।
सर मैं भी कुछ करता ही हूँ घर जाके, लेकिन अब आप लोगों ने तो उससे भी कम शुरू कर दिया है। अब मैं कुछ 2:30 बजे से लेके, चलो 3 बजे से लेके कुछ 4:20 का अलार्म लगाया होता है, 4:20 तक सोता हूँ दोपहर को, ताकि ज़रा बंदा फ्रेश हो जाए। उसके बाद कुछ 4:45 पे मैं बैठ गया था, कल की बात बता रहा हूँ, और 11:30 बजे तक बस नॉन स्टॉप फिर लैपटॉप लेके बैठा ही रहा, बीच में कुछ खाना खाया, नमाजें पढ़ी और बस उठे। और नॉर्मली आप हर टीचर से पूछे हो 5-6 घंटे तो उसको घर में लगाने पड़ते हैं, परसों भी कुछ 4:45 में बैठ गया था क्योंकि 10:30 बजे तक नॉन स्टॉप। आज का इंशाल्लाह इरादा है, करते क्या हैं, ये आईकैप की किताब है भाई, जैसे ये ओल्ड हाइलाइटेड क्वेश्चन बैंक है, तो अभी आईकैप ने अपनी किताब में ये जो सॉफ्टवेयर लगा के चेक किया है कि आईकैप ने अपनी किताब में से क्या चीज़ें डिलीट की हैं, तो ये लाइनें आईकैप ने अपनी किताब में डिलीट की हैं, किताब में इनको ज़रा देखना है कि ये क्यों डिलीट की हैं, फिर नई वाली किताब है उसको देखना है, फिर साथ साथ जो न्यूमेरिकल्स और टैक्स लाइबिलिटी सॉल्व हो रही हैं उनकी कैलकुलेशन करनी है। ये देख लें, -8 लाख लिखा हुआ है ऊपर फिगर में, टेबल लगा के टैक्स लाइबिलिटी निकाली है, फिर उसके बाद जो है वो ये किताब बन रही है, ये चैप्टर 12 है किताब का, तो इसमें आईकैप की चेंजेस लाने की वजह से ये सारे टेबल और सारे रेट्स चेंज हो गए थे, तो ये टैक्सेबल इनकम चेंज की है, टैक्स लाइबिलिटीज चेंज की हैं, ये सारी फिगर्स की हैं, अभी इनको प्रिंट आउट निकाल के दोबारा रीचेक करना है, तो कोई 6-7 घंटे तो डेली टीचर के लग जाते हैं घर में, पता ही नहीं चलता। तो अब हमें हैरत की बात है कि आप लोग घर में 2 घंटे लगा रहे हैं, कितनी देर खड़े रहोगे, खड़े रहोगे, ठीक है ओके, पता नहीं है आप लोगों के पास कैसे टाइम निकलाते हैं, तो सर को जाने का टाइम नहीं होता घर में, वो तो बच्चे खुद हमें, हमारे बच्चे घर में कह रहे होते हैं किसी दिन घर में छुट्टी तो कर लिया करें, लेकिन अब नहीं टाइम तो क्या करें, अब जो करना है वो तो करना है। संडे इस दफ़ा तो मेरा कॉलेज ही है क्योंकि बुक के ऊपर काम करना है। पॉइंट नंबर 4, बहरहाल संडे को बड़ा एक अच्छा दिन होता है, पूरे हफ्ते के टेस्ट वगैरह बन जाते हैं, उनके सोल्यूशन वगैरह बंदा बना लेता है और नेक्स्ट वीक की एक प्लानिंग हो जाती है, तो संडे को तो कंफर्टेबली 4-5 घंटे बंदा निकाल लेता है। सर आसिफ की अपनी रूटीन है, वो मेरे ख्याल से मैंने सुना है कि रात को कोई 2 बजे उठ जाते हैं, वो थोड़ी दूसरी रूटीन पे चलते हैं, 2 या 3 बजे 2:30 बजे उठ जाते हैं, फिर सुबह 7-8 बजे तक का काम करते हैं, तो हर टीचर की अपनी रूटीन है, तो 5-6 घंटे तो लग जाते हैं, पता ही नहीं चलता। अच्छा जी आ जाएं इधर, पेज नंबर 10 पे, दूसरा बुलेट पढ़ें भाई, दूसरा बुलेट, हु एंटर मेडल्स विद द स्टेट ऑफ डिसीज्ड, जो बंदा डिसीज्ड बंदे की जायदाद से इंटर मेडल करे। अब मोहतरम एक बंदा खड़ा था, अथरू बहा बहा के उसने लुट मचाई हुई थी, पता नहीं पानी की बोतल साथ लाया हुआ था, तो टिंकू ने पूछा अंकल आप कौन है, ऐसे जाके ना टिंकू छेड़ है इसको बार बार, अंकल आप कौन है, आप क्यों रो रहे हैं, इतना रोना तो मुझे भी ना आवे जितना रोना आपको आवे, क्या हो गया भाई। टिंकू वापस आ गया तो अंकल ने बोला कि ये जो है ना, ये मिस्टर कासिम, ये मेरे भाई हैं, आपके अब्बू को भूलने की बीमारी थी तो इसलिए इन्होंने जो है वो आपको बताया नहीं था, ये जो है वो मेरे सगे भाई हैं, तो ज़रा साइड पे हट जाओ, जनाजा मैं उठाऊंगा, कब्र मैं खोदूंगा, कोई मसला नहीं, कफनाऊंगा मैं, सब कुछ मैं करूंगा, दफन भी मैं करूंगा, दुआ भी मैं करूंगा, जाके कुरान की तिलावत भी मैं करूंगा और इनके पैसे भी मैं लेके जाऊंगा। तो ऐसे लोग होते हैं जिस वक्त जायदाद तकसीम हो रही हो तो ये बेजा मुदाखलत करने आ जाते हैं, अनड्यू मुदाखलत करने आ जाते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कोई बंदा मरा, उसकी ज़मीन पे लोगों ने कब्जा, मरना कैसे, जिंदा होते ही लोग कब्जा कर लेते हैं, तो कोई बंदा है उसकी ज़मीन पे किसी ने कब्जा कर लिया, किस जायदाद पे कब्जा कर लिया, तो ऐसे लोग अगर कोई मिलें जनाजे के वक़्त, कोई ऐसी हरकतें करते हुए लोग पाए जाएं, या जायदाद तकसीम होते हुए ऐसे लोग कोई पाए जाएं, कोई मोहल्ले वाले आगे बढ़ के कोई फटे फुटे डालें, तो ऐसे लोगों को भी कह दिया जाएगा तुम भी इसी बरादरी के हो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि ऑब्वियसली ये भी जबरदस्ती कोई ना कोई मरने वाले के पैसे ले गए होंगे, तो इनसे भी पैसे रिकवर करने पड़ेंगे हमें बिल। हु एंटर मेडल्स विद द जायदाद ऑफ डिसीज्ड,
जो मरने वाले की जायदाद के साथ पंगे पुंगे लें तो उनको भी देखा जाएगा। ओके, तीसरा बुलेट, तीसरा बुलेट मोहतरम आपने समझना है यार, कल से पढ़ना शुरू कर दोगे, कल से पढ़ना शुरू कर दोगे, खड़े रहो, आज से पढ़ना शुरू करना है। अच्छा मुझे ये बताओ, कल संडे है, कल पूरे 6 दिन का पढ़ पढ़ के लूट मचा दोगे क्या? इधर लाइब्रेरी कॉलेज में आके पढ़ लोगे, जो भी है जहां मर्जी पढ़ो, पढ़ पढ़ के लूट मचा दोगे, पक्की बात। अगर लूट मचाओगे तो बैठ जाओ, कंफर्म नहीं करता। यानी ये नहीं होगा कि कल सुबह बिस्मिल्लाह पढ़ के आप जो है वो पहला चैप्टर, चैप्टर 4 सेक्शन 74 खोल के सुबह फजर के साथ ना सूरह यासीन पढ़ लिया करो, लिख लो जरा, याद रहेगा, वैसे तो आपने लिखा होगा, फिर अल्लाह पूरे दिन के काम अपने जिम्मे ले लेते हैं, तो ये तो कर लिया करो ना, तो फिर इंशाल्लाह आप शुरू कर दो सेक्शन 74, चल 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 चल, फिर आगे चल से चल, ठीक है? ओके, इस संडे को 6 दिन का रिवाइज करने, और अगले संडे को पिछले 14 दिन का, फिर उससे अगले संडे को पिछले 21 दिन का, तो अगर ये लोड अभी से संडे पे डालते रहोगे तो आगे आने वाले संडे जरा फिर आप कंफर्टेबली गुजार सकोगे। फिर जब कम नवंबर आनी है, रिजल्ट की छुट्टी होगी, फिर पूरे महीने का रिवाइज करेंगे। ओके, पॉइंट नंबर 4 का तीसरा बुलेट मारें, पढ़ें, सॉरी। अच्छा जी मोहतरम, ऐसा कुछ हुआ कि कोई केस चल पड़ा वर्सा के खिलाफ, तो केस चलते 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 एक वक्त ये आया कि जो ये है ना, ये बेचारा भी इस केस चलाने के चक्कर में इस जहाने फानी से क्या कर गया, पूछ कर गया, क्या कर गया, पूछ कर गया, छोड़ दूं इसको, छोड़ दूं, उधर से गायब हो गया, देखा नहीं आपने, देखें जरा, छोड़ दूं, गायब हो गया। हाँ, ये भी इस जहाने फानी से चल बसा, ये भी इस जहाने फानी से चल बसा, ठीक है जी। अब माशाल्लाह इसके भी बीवी बच्चे थे, अब इसके भी बीवी बच्चे थे, अब क्या होगा मोहतरम, अब ये होगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव के लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे जो सुबह जनाजा उठा था उसके, जो पहला जनाजा था जो सुबह सुबह हमने आकर उठाया था, दोबारा अपने ये परेशान हो रहे हैं, मेरी बारी है। अच्छा सॉरी भाई, बारियां तो लगी हुई है ना, देखिए बारियां तो लगी हुई है, तो मैं ये कह रहा था कि ड्यूरिंग द केस हियरिंग किसी वजह से ये भी इस जहाने फानी से क्या कर गया, कूच कर गया। तो जब ये इस जहाने फानी से कूच कर गया तो इसके भी कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे। अब इसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, तो मैं ये कह रहा था कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे इस वाली मैयत के, क्लियर? ये बात कर रहा था। अब ये बड़ी ना अंग्रेजी बड़ी ओखी सी और अजीब सी लिखी हुई है, तो इसको हम पढ़ते हैं इंशाल्लाह। यार इतवार को लूट मचा दें, ठीक है, अब बैठ जा, लूट मचाने का मतलब तुम्हें पता नहीं क्या समझा, बैठ जा। पॉइंट नंबर 3, ऑन होम जिन पर द स्टेट शिफ्ट, जिन पे जायदाद शिफ्ट हो, ऑन होम जिन पे जायदाद शिफ्ट हो, किस पे जायदाद अब शिफ्ट हो गई, पोता और बहू रानी पे, इन दोनों पे शिफ्ट होगी ना। और भाई जन घर में जाके आप किसी और से ना समझिएगा, इधर से ही समझ लें, ये बेटा है इसका, ये इसका पोता है और ये इसकी बहू है। They will remain as legal representative. On whom, जिन पर जायदाद शिफ्ट हो जाए, on whom, जिन पर जायदाद क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए, on the death
थॉफ बेटा, ये सारे रिश्ते किसके रेफरेंस से हैं? ये जो सबज वाली लाश है इसके रेफरेंस से हैं सारे रिश्ते, क्लियर? ऑन होम पोता और बहू जिन पर जायदाद शिफ्ट हो जाए ऑन द डेथ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा क्यों हुआ था? इफ की जगह अगर आप बिकॉज लिख लें अपने समझने के लिए, बिकॉज द रिप्रेजेंटेटिव इज बीइंग सूड इन अ केस, रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ केस चल रहा था। सूड इन अ केस का क्या मतलब है? कोर्ट में इसके खिलाफ क्या चल रहा था? केस चल रहा था। तो अगर कोर्ट में रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ केस चला था, रिप्रेजेंटेटिव कौन है? वही बेटा। इफ द रिप्रेजेंटेटिव इज बीइंग सूड इन अ केस ऑफ, बोले बोले, केस ऑफ, केस किसका है? फादर का, वो जो पहले वाली मैयत है, ऐसा ही है ना? चलें जी, इफ यू वांट टू नोट इट डाउन यू कैन नोट इट अप। लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर माइनर हो तो ये हमारे स्कोप में नहीं है डिस्कशन, यहां कोई ऐसी डिस्कशन हुई नहीं, हुई हुई होती तो मैं करता। जल्दी से ये पॉइंट थ्री के नीचे अंग्रेजी भी पढ़ लें। अगर किसी केस में सूड है तो फिर उसकी वाइफ और, हाँ जी हाँ जी, और वो मर जाए, ये भी शर्त है। अच्छा भाई, ये पहले भी रिक्वेस्ट की है, विस्परिंग कानों में करें जब नोट करने का टाइम दिया जाए। हाँ जी, क्या चीज? रिप्रेजेंटेटिव मर गया है। हाँ, रिप्रेजेंटेटिव मर गया, आगे उसके रिप्रेजेंटेटिव नहीं, समझ लो जितना भी है 4 मिलियन है, अब ये दोनों लायबल होंगे और ये लायबल होंगे, अब ये 4 लोग लायबल होंगे। ये जरा अंग्रेजी पढ़ लें और नीचे उर्दू शुर्दू लिख लें। ऑन होम जिन पर जायदाद शिफ्ट हो जाए अगर रिप्रेजेंटेटिव मर गया, और रिप्रेजेंटेटिव किस दौरान मरा? उस दौरान के उसके खिलाफ कोर्ट में क्या चल रहा था? केस। अगर कोर्ट में कोई केस ही नहीं चल रहा था तो फिर बहू और पोते को क्यों पकड़ना है? फिर तो वैसे ही कोई मसला ही नहीं है, फिर तो उनको पकड़ने की जरूरत नहीं। तो उनको पकड़ने की कब जरूरत है? जो कोर्ट में केस चल रहा, और कोर्ट में केस चलते चलते बेटा मर जाए। ऑन होम जिन पर जायदाद शिफ्ट हो बेटे के मरने पे, अगर बेटे के खिलाफ कोर्ट में क्या चल रहा है? केस चल रहा है। चलें जी, आज का आखिरी सेक्शन पढ़ें। ऑथर, सेक्शन 89। ये जब आप मोबाइल पे गेम खेल रहे होते हैं तो आप अपने
फ्यूचर के साथ खेल रहे होते हैं ऑथर्स. वेयर द सीए के लिए आप क्या कर सकते हैं मैक्सिमम, क्या सो सकते हैं, कोई कुर्बानी बताएं कि कुछ 4 महीने हो गए मैं घर नहीं गया, 6 महीने हो गए मैं घर नहीं गया, 8 महीने हो गए मैं घर नहीं, जी कितने ऐसे से घर नहीं गए, 1 महीना हो गया घर नहीं गए, कहां रहते हो, कश्मीर रहते हो, तो 1 महीने की क्या कुर्बानी, 4 महीने हो गए घर नहीं गए, कहां रहते हो, यार ये वरदान है चले जाना था बीच में, मौका ही नहीं मिला, पढ़ाई चल रही थी कंसेक्यूटिव, 24 को पेपर हुआ है, अच्छा जी, अच्छा वैसे मेरा मशवरा जितना भी आपको ये रह गया ना सीए इंटर साल डेढ़ जितना भी रह गया होगा और जो सीए फाइनल है, मैं घर वालों को ही बुला लिया करें, आप जाएंगे वो जरा ज्यादा होगा, फिर घर वालों को ही बुला लिया करें, 2-4 घंटे आपसे आए गले चले मिले, खाना शाना खाएं, कोल्ड ड्रिंक एक पी के, चलो जी हलाफ़, बस फिर आपको ये अपनी कुर्बानियां भूल जाएंगी और सीए याद रह जाएगा. अच्छा जी और कुछ ऑथर्स भाई आप सारे इधर अटेंटिव हो जाएं, साथ वाले को प्यार से कोनी मार दें. अच्छा भैया आप खड़े हो जाएं, ये क्या तारीख है, एक्सेलेंट 36/14 शुक्र 31/12/14 निकाला इन्होंने, ये क्या तारीख है जी 30/14 बैठ जाए, तो ये टैक्स ईयर है जी 2010, 11, 12, 13, 14. एक साहब हैं, उन्होंने एक किताब लिखी और इस किताब के लिखने पे उनको 5 साल का अरसा लगा, 1, 2, 3, 4, 5 इनको 5 साल का अरसा लिखना किताब लिखने पे, वो किताब नहीं किताबा होगा, वो क्या शाहकार होगा. अब मोहतरम जैसे ही इन्होंने किताब लिखी तो लोग तो जैसे हैरी पॉटर की तरह इंतजार में बैठे थे कि भाईजान इसकी किताब आए और हम पढ़ें. अब जैसे ही इसकी किताब आई तो हाथों हाथ किताब बिकी और इन्होंने कमाया 6 मिलियन. कितना कमाया? 6 मिलियन इन्होंने कमाया. अब ऑप्शन 1 ये है आपके पास कि आप 6 मिलियन के ऊपर जो है वो टैक्स दे दें टैक्स ईयर 2014 में, 6 मिलियन पे आप टैक्स दे दें टैक्स ईयर 2014 में. 6 मिलियन पे अगर आप टैक्स निकालेंगे तो 6 मिलियन पे जो आपका टैक्स निकलेगा वो निकलेगा जी 1/32 में 32 यानी 32 गुल हो जाएगी आपकी 32% पेज नंबर 5 पे देखें 32% टैक्स आप पे लगेगा अगर आप कितना कमाएंगे 6 मिलियन कमाएंगे. अब ये ऑथर जो है थर 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 कांपने लग गया 32% मैं मर लूंगा. तो अब ऐसी सूरत में इस ऑथर को आप करें रिलैक्स, गाय सिट डाउन हैव अ सीट, एसी शीशे चलाएं, ठंडा पानी पिलाएं, पुत्र की होया है नहीं मैं रो रहा हूँ की होया है मैं नहीं मैंने किताब लिख के गलती कर दी है मैंने पता नहीं क्या कर दी है मैं एक तो किताब भी लिखूं ऊपर से फॉर भी चुप की होया है. आपको एक रिलैक्सेशन है भाई उस क्लास में हाइब्रिड में प्लीज बोले मत. आपको एक रिलैक्सेशन है जी. क्या रिलैक्सेशन है भाई जान? अब इस 6 को तोड़ो कितनी दफा? 3 दफा. मैंने 3 दफा बोला तोड़ो. कितनी दफा हुआ? इस 6 को आप तोड़ें और इसके टोटे कर दें, इसके 3 हिस्से कर दें, इसको 3 दफा तोड़ें. ये नहीं कि 5 साल में किताब लिखी है तो इसके 5 टोटे करने हैं, आपने इसको तोड़ के इसके 3 हिस्से करने हैं, 3 पीसेस में आपने इसको तोड़ देना है. इक्वली तोड़ें जरा, 6 मिलियन को तोड़ें 3 पीसेस में. 2 मिलियन मैं क्यों 2 मिलियन, आप दें 1 मिलियन. अच्छा 2 मिलियन और फिर आगे 2 मिलियन
आगे 2 मिलियन, तो इसको तोड़ के कितने हिस्से कर दिया इसके? आप जरा जाके देखते हैं टेबल में 2 मिलियन कहां आ रहा है। 2 मिलियन, 2 मिलियन, 2 मिलियन, 2 मिलियन, 2 मिलियन, ये ओ, खीर हो गई। ऑथर तो इस वक्त आसमानों पे पहुंचा हुआ है खुशी में। कितने परसेंट टैक्स हो गया? तो 32.5 से गिर के 17.5% पे टैक्स आ गया। ही विल मार छाल लाइक एनीथिंग। ये तो खुशी के अंदर जो है वो छलांगे मारेगा। तो ये भाईजान ऑथर के पास रिलैक्सेशन अवेलेबल है कि जिस ऑथर को अपनी किताब लिखने पर अच्छा खासा अरसा लगे वो अपनी इनकम को स्प्लिट करके 3 सालों में इनकम में डाला करेगा। अब सवाल ये है कि ये 3 साल का मतलब क्या है? यानी 2014 में खड़े होके वो कहेगा कि मैंने 2014 में 2 मिलियन कमाया, मैंने 2013 में भी 2 मिलियन कमाया था, मैंने 2012 में भी 2 मिलियन कमाया था। ये उसी तरह है कि आज आप सीए कर रहे हैं और आपको कहा जाए कि मैट्रिक का बायोलॉजी का पेपर जाके आप दोबारा दे दें। यानी आपको बैकवर्ड लेके जाया जा रहा है, पीछे टाइम मशीन में बिठा के आपको पीछे लेके जा रहे हैं। तो इस तरह की कोई सिनेरियो है, क्योंकि 14 में खड़े होके 13 और 12 तो गुजर चुके, आपने तो ये पैसे 14 में कमाए हैं। तो जब आप 14 में खड़े होंगे ना, तो 14 में खड़े होके आपके पास ऑप्शन 1 ये है कि आप 6 मिलियन एक सफा पकड़ें, उस पे लिखें हुकूमत मैंने 2014 में 6 मिलियन कमाया, ये सफा हुकूमत को जमा करा दें। लेकिन ये सफा जमा कराने से आपको हो रही है तकलीफ, तो इसके लिए एक रिलैक्सेशन अवेलेबल है कि आप एक सफा ना पकड़ें, आप 3 सफे पकड़ें, 3 सफे, 1, 2, 3। एक सफे पे लिखें मैंने 14 में 2 मिलियन कमाया, फिर अगले सफे पे लिखें मैंने 13 में 2 मिलियन कमाया, फिर अगले सफे पे लिखें मैंने 12 में 2 मिलियन कमाया, और ये 3 सफे हुकूमत को अलग अलग जमा करवाएं। जमा तो 14 में ही खड़े होकर करवाएंगे, जमा तो 2014 में ही खड़े होकर करवाएंगे। लेकिन अब आप कह रहे होंगे हर साल मैंने कितना कमाया, 2, 2, 2। तो अब आपका रेट कितने परसेंट होगा, आसमानों वाला 32.5% या जमीन वाला 17.5%? 17.5%। तो ये रिलैक्सेशन अवेलेबल है। अब अगला सवाल है कि रिलैक्सेशन तो यही है, लेकिन अवेलेबल किसको है? भाईजान रिलैक्सेशन उस बंदे को अवेलेबल है जिसको किताब लिखने पे 6 साल लग जाएं, उसको भी रिलैक्सेशन अवेलेबल है। जिसको किताब लिखने पे 7 साल लग जाएं, उसको भी रिलैक्सेशन अवेलेबल है। जिसको किताब लिखने पे 8 साल लग जाएं, उसको भी रिलैक्सेशन अवेलेबल है। जिसको किताब लिखने पे 5 साल लग जाएं, उसको भी रिलैक्सेशन अवेलेबल है। रिलैक्सेशन यही है कि 3 सालों में आपने तोड़ना है इसको। जिसको किताब लिखने पे 4 साल लग जाएं, उसको भी रिलैक्सेशन अवेलेबल है। जिसको किताब लिखने पे 3 साल लग जाएं, उसको भी रिलैक्सेशन अवेलेबल है। जिसको किताब लिखने पे 2 साल और 6 महीने लगे, उसको भी रिलैक्सेशन अवेलेबल है। जिसको किताब लिखने पे 23 महीने लगे, उसको ये रिलैक्सेशन अवेलेबल नहीं है। किताब लिखने पे कम से कम आपको 2 साल से ज्यादा का अरसा लगना चाहिए। हमारा जो सवाल है अभी मैं कराऊंगा, उसमें इसको 5 साल लगे। तो किताब लिखने पे कम से कम आपको कितने महीने लगने चाहिए? 24 से ज्यादा। अगर 24 से ज्यादा महीने आपको लगे, तो फिर आपको ये रिलैक्सेशन अवेलेबल होगी। रिलैक्सेशन यही है, चाहे आपको 10 साल लगे किताब लिखने पे, चाहे आपको 2.5 साल लगे किताब लिखने पे, रिलैक्सेशन एक ही अवेलेबल है। एज्यूम किया जाएगा ये इनकम आपने इस साल कमाई है और इससे पिछले दो साल, टोटल कितने हो गए? 3 साल। नोट कर लें, नीचे एग्जांपल भी वही दी हुई है। 3 सालों का 17.5, 17.5 2 जरब 17.5 जमा 2 जरब 17.5 जमा 2 जरब 17.5 जो कि जमा करो कैलकुलेटर में। हो गया
चलो माशाल्लाह आवाज अब आहिस्ता हो गई है, गुड। अब नीचे वाली एग्जांपल पढ़ ले जो इंग्लिश में लिखी हुई है। वो फिर उसके पीछे हाँ कैसे ज़्यादा होगा बताता हूँ। वो उसने कह दिया कि पिछलों में डाल दो, उसकी मर्जी जैसे भी कहेगा। हाँ हाँ इसी तरह अगर बुक जो है वो कंप्लीट हो रही है सर प्रोटीन में, ठीक है, तो जो उससे अर्निंग आ रही है उसकी बुक की आ रही है 6 मिलियन, तो सर 2012-13-14 में हम सर 2 मिलियन किस तरह आ जाए रिज्यूम कर रहे हैं, बस 6 को 3 को डिवाइड करके कमाया है उसने। वही वाला रेट लगेगा जिस जो इस साल का है। हो गया मोबाइल यूज तो बहुत जी। अगर अच्छा भाई पहली तो बात ये है कि आपको पता है 17.5% एग्जैक्ट रेट नहीं लगता, 60,000 भी जमा करना होता है, और इसलिए 32.5% एग्जैक्ट रेट नहीं लगता, 680 भी जमा करना होता है। लेकिन ये 5-6 लोगों ने सवाल पूछे कि 17.5, 17.5, 17.5 तीनों सालों में लगाएंगे तो टैक्स ज़्यादा होगा। भाई ज़्यादा कैसे हो सकता है, ज़्यादा कैसे हो सकता है? मैं फिलहाल फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन सिर्फ 17.5% लेता हूं कि 2 × 17.5% जमा 2 × 17.5% जमा 2 × 17.5%, इसको आप घर जाके कंपेयर कीजिएगा 6 × 32%, जमीन आसमान का फर्क आएगा। ये बहुत कम टैक्स निकलेगा, अभी करके देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा निकलेगा। तो इसलिए सिंपल सी बात है कि आपने 2 × 2 = 17.5 लगाए तो बहुत कम टैक्स निकलेगा, और 6 × 32% लगाए तो बहुत ज्यादा निकलेगा। तो इसलिए कौन सी ऑप्शन फिजेबल होगी 2 मिलियन को 3 सालों में गिराने की? ओके और अगला सवाल यह कि 14 के पिछले 2 साल क्यों नहीं है 13 और 12, और अगले 2 साल क्यों नहीं लिए 15 और 16? वो लॉ मेकर की मर्जी, जो जैसे कहेगा वैसे हम कर लेंगे। और फिर अगला सवाल आप में से कोई पूछेगा 3 सालों पे क्यों डिवाइड कर रहे हैं, मेरा तो दिल चाह रहा है 4 पे कर लूं, हदों की जिस तरह लॉ में लिखा होगा। फिर कोई पूछेगा कि 24 महीने से ज्यादा पे बुक नहीं, मेरे ख्याल से तो 12-13 महीने ही काफी होते हैं बुक लिखने के लिए। तो इस तरह के सवालों का तो मेरे पास जवाब नहीं हुआ करेगा। अब जो लॉ ने रूल बना दिया वो तो बना दिया ना। अब कोई कल कलां को आके सवाल पूछेगा 0 से 6 लाख पे 0% नहीं, मेरे ख्याल से तो 8-9 लाख तक टैक्स माफ होना चाहिए। चलें जी आगे चलें। वेयर एनी टाइम टेकन बाय एन ऑथर ऑफ अ, पहले जरा मिसाल पढ़ लें। आसिफ रिसीव्ड अ लमसम अमाउंट ऑफ 6 मिलियन, आसिफ ने 6 मिलियन रिसीव किया लमसम अमाउंट एज द ऑथर ऑफ अ लिटरेरी वर्क इन 2014। रिसीव कब किया? 2014 में। हमारा पहला सवाल होगा किताब कितने अरसे में लिखी? He took more than 24 months. 5 साल is greater than 24 months. Is greater than 24 months. 24 महीने से ज्यादा लगाने हैं आपने किताब लिखने पे। अब वो 240 महीने भी लगा दें आपकी मर्जी है, लेकिन 24 महीने से ज्यादा लगाने हैं किताब लिखने पे। किताब लिखने पे 5 साल लगाया आपने, लेकिन इसकी वजह से 3 वाली बात अपनी जगह रहेगी। To complete this literary work, how this amount will be taxed? अब 6 मिलियन को पकड़ें और पकड़ के 14 में डालें और 13 में डालें और जिस साल कमाई उस साल और उससे पिछले 2 साल, टोटल कितने हो गए? He can opt 2 मिलियन each to be taxed in tax year 12, tax year 13 and tax year 14. Where the time taken by an author of a literary or artistic work to complete the work exceed 24 महीने।
24 महीने लगे, 48 महीने लगे, 240 महीने लगे, 480 महीने लगे, आपको ये बेनिफिट अवेलेबल है। लेकिन 24 महीने से कम में अगर आपने किताब लिख दी तो फिर आपके पास ऑप्शन वन ही अवेलेबल है, सिर्फ आपने एग्जैक्ट उसी अमाउंट पर टैक्स देना होगा, फिर आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते। तो वेयर द टाइम टेकन बाय एन ऑथर ऑफ अ लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क टू कंप्लीट द वर्क एक्सीड 24 महीने, द ऑथर में अगर आपका दिल चाह रहे तो इस तरह टैक्स दे दें, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आपको ज्यादा पैसे देने हैं हुकूमत को, इट्स अप टू यू, बट वी आर गिविंग यू अ रिलैक्सेशन। द ऑथम में चूज एनी लंप सम कितने, 6 मिलियन। द ऑथर मे चूज एनी लंप सम रिसीव्ड इन अ टैक्स ईयर। अच्छा, घर जब आप किराए पे देते हैं तो रेंट आता है, जब आप किताब को पब्लिश कराते हैं तो पब्लिशर आपको रॉयल्टी देता है, तो ये किताब के बदले जो पैसे होते हैं उसको रॉयल्टी कहते हैं। द ऑथर मे चूज एनी लंप सम अमाउंट रिसीव्ड इन अ टैक्स ईयर, किस साल आई है, 14 में, एज किस फॉर्म में आई है, इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी फॉर द वर्क जो आपने काम किया, एज हैविंग बीन रिसीव्ड इज अज्यूम्ड एज, कर लें इसको काट के, काटने का मतलब ये होता है आप ही पेपर में इस तरह लिख सकते हैं, इज अज्यूम्ड एज रिसीव्ड, इसको अज्यूम करें कि ये रिसीव हुई है, हालांकि रिसीव तो 14 में ही है, लेकिन अज्यूम क्या करें कि रिसीव हुई है, इन दैट टैक्स ईयर, व्हाट इज दैट टैक्स ईयर, ओ व्हाट इज दैट टैक्स ईयर, 14, इन दैट टैक्स ईयर एंड द पिछले 2 साल, कौन से, इन बराबर बराबर इन इक्वल प्रोपोर्शन, यानी 6 को आपने 3 सालों पर डिवाइड करना है, 2, 2, 2। अंग्रेजी पढ़ लो, एक ही बात होगी ना, डिवाइडेड बाय 3 करना है बस, जब फिर भी 3 पे ही डिवाइड करना है, पॉइंट्स में कभी नहीं लेके जाना। चौबीस महीने का 3 से कोई ताल्लुक नहीं है, 26 महीने लगे किताब लिखने पे, 48 महीने लगे, 100 महीने लगे, डिवाइड 3 सालों में इनकम को करना है। अगर इनकम 9 मिलियन होती तो 3 मिलियन 3 मिलियन 3 मिलियन, अगर इनकम 90 मिलियन होती 30 मिलियन 30 मिलियन 30 मिलियन, डिवाइड बाय 3 करना है बस, सिंपल। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा मंडे को एक काम करते हैं, आप जरा सारा चैप्टर जितना पढ़ा है वो याद करके आएं, फिर आपसे लिखवाया जाएगा इधर कोई एक दो चीज़ क्लास में, और फिर अगर आपने ना लिखी तो सबके सामने इंशाल्लाह आपकी की जाएगी। 10A, 10A करवाएंगे या याद करके आएंगे, अच्छा 10A। मिस्टर हैदर इज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मिस्टर हैदर लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, भाई हाइब्रिड में शोर हो रहा है, मोहतरम ये लास्ट वार्निंग है, अब मुझे फिर अबू बकर आप भाई मुझे अब जो है ना लड़का हाईलाइट करके दें, आप उधर जाके बैठ जाएं और मुझे बताएं कौन शोर कर रहा है, आपने उसको खुद कुछ नहीं कहना है, मुझे शर्ट का कलर बताना है। ओके, मिस्टर हैदर इज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज डिसीज्ड इंडिविजुअल, डिसीज्ड अंकल, हैदर के चाचू मरे हैं या मामू मरे हैं, भाई उर्दू लैंग्वेज तो कमाल है, अंग्रेज तो सबको ही अंकल कहते हैं। अच्छा, हैदर इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज चाचू और मामू और ताया और फूफा, पता नहीं, सिंस 5 जनवरी 2000, टैक्स ईयर 2010 में अंकल इस जहाने फानी से कूच करके चले गए, एंड हैदर मैनेजेस हिज स्टेट वर्थ ₹10 मिलियन, अंकल जाते हुए करोड़ रुपया छोड़ के गए, ऑन अगस्त 2000, आगे जरा देख लो, ऑन अगस्त 10, 2010
टैक्स ईयर 2011 में, क्योंकि यकम जुलाई 10 को आपको पता है अगला साल शुरू हो चुका है, टैक्स ईयर 2011 में हैदर को दो नोटिस आए, दो परवाने आए। कि कहां से परवाने आए? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तोता परवाने देके गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले रिक्वायरिंग हिम। उसे दो बातें कही हैदर को। नंबर वन, हैदर अबे मुझे बता तेरे अंकल ने 2009 में कितना कमाया था। पहली बात ये बता तेरे अंकल ने 2009 में कितना कमाया था। दूसरी बात, तेरे अंकल ने 7 और 8 का टैक्स जमा नहीं कराया हुआ 12 मिलियन। तू जो सोच रहे ना अंकल करोड़ रुपया छोड़ के गए हैं, तो 1 करोड़ 20 लाख मार के भी गए हैं हुकूमत का। तो तेरे अंकल ने 12 मिलियन टैक्स जमा नहीं करवाया हुआ। अब आप कह रहे होंगे जी 2007 और 8 का ही टैक्स जमा कराने में 10 मिलियन सारा खत्म हो जाएगा, तो 2009 का अगर टैक्स निकालना भी हो तो उसका फायदा क्या होगा। चलें बहरहाल वो तो अभी सवाल पढ़ते हैं, सवाल क्या पूछ रहे हैं। एडवाइज मिस्टर हैदर अबाउट द एक्सटेंट ऑफ हिज टैक्स लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम अर्न बाय हिज अंकल बिफोर January 5, 2010। January 5, 2010 से पहले अंकल ने जो भी कमाया है उसके ऊपर जो टैक्स जमा कराना है उसके लिए हैदर किस हद तक लायबल है। तो इसमें मोहतरम हम सिर्फ लिख के आएंगे सेक्शन 87 का 2। बस बिला वजह रोब नहीं डालना कि मुझे लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन भी आवे आई कैप, मुझे तो ये भी आवे, तो ये रोब नहीं डालना। आपने जो पूछा है वो बताना है। एक्सटेंट पूछे, एक्सटेंट कहां लिखी हुई है जरा जाके देखें, 87 के किस में लिखी हुई है? सिर्फ 2 में, 87 के 2 में एक्सटेंट लिखी हुई है। द लायबिलिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव शेल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ, इतनी सी लाइन लिखने के बाद हम लिख के आएंगे देयरफॉर इन दिस केस द लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹10 million ओनली इंस्टेड ऑफ 12 million। ये लाइन लिख के, ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल, ऑल्सो एडवाइज हिम अबाउट हिज जिम्मेदारी रिलेटिंग टू टैक्स असेसमेंट प्रोसीडिंग, यानी टैक्स केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द अंकल जो मरने से पहले उसके खिलाफ शुरू हो चुके थे और जो अब नए अराइज हो सकते हैं, इन केसेस के बारे में भी क्या भतीजे को लायबल फील कराया जा सकता है। ये कौन सा पॉइंट पूछ रहे हैं? ये 87 के 3 का ए भी लिख के आएंगे और बी भी लिख के आएंगे, पेंडिंग वाला भी और अराइजिंग वाला भी। कैसे पता चला? हाईलाइट कर ले प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग्स का लफ्ज कहां मिला आपको? 87 के 3 में मिला ना। देखें 2A नहीं लिख के आना, 2A उसने मांगा ही नहीं कि 2-3 लोग आए हैं पैसे मांगने, बताओ पहले किसको देने हैं। 2A तो नहीं मांगा उसने, उसने सिर्फ 3 मांगे इधर, पेंडिंग वाले केसेस भी और अराइजिंग वाले। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन 21, क्वेश्चन 22 होमवर्क है आपका। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्वेश्चन 21, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनिशिएटिंग अ प्रोसीडिंग अगेंस्ट मुबीन, मुबीन के खिलाफ एक प्रोसीडिंग केस शुरू किया है। इशूड अ डिमांड, डिमांड का क्या मतलब होता है? मांगना, डिमांड मांगे हैं, पैसे मांगे हैं, जिसमें उसे कहा है कि आप हमें कुछ बकाया पैसे जमा कराओ। रिक्वायरिंग हिम टू पे द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर 2015 के आपने पैसे नहीं जमा कराए हुए, वो हमें जमा करवाओ, अलोंग विद डिफॉल्ट सरचार्ज। सरचार्ज नहीं होता बिलों पे भी, लेट पेमेंट के ऊपर जो होता है, तो लेट पेमेंट पे कोई जुर्माना वगैरह भी जमा करवाओ। हाउएवर पैसे देने से पहले ही मुबीन गाड़ी के अंदर फोत हो गया। सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। नंबर वन, उसे कहां दफन किया जाए? सॉरी, अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, डिस्क्राइब वेदर टैक्स अथॉरिटीज वुड बी एबल टू रिकवर द अमाउंट ऑफ टैक्स आफ्टर मुबीन डेथ। यस चपेट पड़ेगी, यस लिख के आने पे।
डिस्क्राइब वेदर टैक्स अथॉरिटीज वुड बी एबल टू रिकवर द टैक्स आफ्टर मुबीन डेथ, मुबीन के मरने के बाद क्या उससे टैक्स लिया जा सकता है, जरा डिस्क्राइब करें भाईजन। ये 87 का 1 है, पिछले में नहीं पूछा था उसने, इसमें इसने 87 का 1 भी पूछ लिया। कैसे पता चला? डिस्क्राइब, बताओ वेदर, क्या टैक्स अथॉरिटीज, टैक्स वाले इस काबिल हैं कि उसके मरने के बाद भी उससे टैक्स ले सकें? क्यों? यस दे कैन फ्रॉम लीगल रिप्रीट। यस, टैक्स वाले रिकवर करेंगे और ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होंगे, वो रिकवर कर रहे होंगे, ये लायबल होंगे। एक बंदा रिकवर कर रहा होगा, कौन? टैक्स वाले। लायबल कौन होगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। 87 का 1 पिछले सवाल में उसने नहीं पूछा था, इस सवाल में उसने 87 का 1 पूछ लिया। आगे चलें। एंड अगला सवाल, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ सच रिकवरी, किस हद तक उससे टैक्स ले सकते हैं, यानी कहां तक जा सकते हैं मैक्सिमम? इसमें 87 का 2 लिखेंगे सिर्फ, एक्सटेंट में तो 87 का 2 ही आएगा ना, और क्या आएगा? हाँ, एक्सटेंट में क्या आएगा? 87 का 2 एक्सटेंट के जवाब में आ जाएगा, 87 का 2। अच्छा जी, दूसरा बुलेट पढ़ें। हाँ जी, एटी सेवन का बी तो नहीं पूछा उसने। क्या लफ्स लिखे है? क्या आपको पता चले कि अब आपको थ्योरी याद भी करनी पड़ेगी? क्या आपको ये भी पता चल गया सवाल पढ़ के कि समझनी भी पड़ेगी? क्या आपको ये भी पता चल गया कि इन सवालों को याद करके लिखना भी पड़ेगा घर में? क्या आपको ये भी पता चल गया कि संडे को कीमती बनाना? कमेंट ऑन द स्टेटस ऑफ प्रोसीडिंग टू बी इनिशिएटेड अगेंस्ट मुबीन नहीं लिखा हुआ। टू बी इनिशिएटेड होता तो फिर कौन सी वाली होती? अराइजिंग वाली। अभी टू बी इनिशिएटेड लिखा है या इनिशिएटेड लिखा है? इनिशिएटेड का मतलब बताएं क्या होगा? जो उसके खिलाफ शुरू हो चुकी हैं या हो सकती हैं? चुकी हैं, हो सकती हैं, चुकी हैं, पूछी हैं। इसलिए इसके जवाब में लिखें 87 के 3 का ए लिख के आएंगे बस। ठीक है जी, चला।